इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है कि वो डेटा इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, आउटपुट दे सकता है और अगर जरूरत पड़े तो स्टोर भी कर सकता है। ये चार काम है बुनियादी कंप्यूटर्स के। अच्छा, तो क्या सारे कंप्यूटर्स डेफिनेशन में पूरे उतरते हैं? यकीनन। अब अगर अपना कंप्यूटर के बारे में आप देखें तो कंप्यूटर का आप कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, माउस से इनपुट देते हैं, इवन माइक से इनपुट दे सकते हैं, स्कैनर के जरिए इनपुट दे सकते हैं। वो प्रोसेस करता है आपके डेटा को। फॉर आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट दिया, उसे आपने पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया और उसे उसे आपको सफे की शक्ल में चाहिए, किसी के पास भेजना है, तो आप आउटपुट प्रिंटर के थ्रू ले रहे हैं और आपके पास सफा आ गया। या आप एक किताब लिख रहे हैं तो आप इनपुट कीबोर्ड की शक्ल में आप टाइप करेंगे अपनी बुक्स, अपने आइडियाज और बाकी चीजें। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा कि आप कमांड्स टाइप करेंगे, इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दो, इसको इटैलिक कर दो, इसको फ्लां कर दो, तो सारी एडिटिंग प्रोसेसिंग में आएगी। आप उसको अपने पास सॉफ्ट कॉपी स्टोर भी कर लेंगे और आउटपुट प्रिंटर के जरिए निकाल के कॉपी पब्लिशर को भिजवा देंगे, जहां से आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी। तो प्रोसेसिंग जो है ये एक बहुत ब्रॉड सी टर्म यहाँ लिख दी गई है। प्रोसेसिंग में बड़ा कुछ आ जाता है। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो प्रोसेसिंग करते हैं, इसमें हार्डवेयर है जो प्रोसेसिंग करता है। इनपुट डिवाइसेस जो है, कोई भी ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा इन करने के लिए यूज होती है वो इनपुट डिवाइस है। और वो कीबोर्ड भी हो सकता है, वो माउस भी हो सकता है, बल्कि कई एग्जांपल हम दे सकते हैं। आउटपुट कंप्यूटर से आप किसी फॉर्म में भी जो भी आउटपुट लेंगे वो उन डिवाइसेस का आउटपुट डिवाइसेस कहेंगे, खा स्पीकर ही क्यों ना हो, आवाज भी एक आउटपुट है, वो भी आउटपुट डिवाइस में शामिल है। और स्टोरेज, हार्ड डिस्क लगी होती है कंप्यूटर के अंदर, आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आप सॉन्ग्स और मूवीज वगैरह स्टोर करते हैं। तो मैं बता रहा था माइक्रोवेव ओवन जो है वो उसके अंदर लगा हुआ कंट्रोलर क्या इस तारीफ पे पूरा उतरता है? जी बिल्कुल पूरा उतरता है, क्योंकि इनपुट देते वक्त आप उसे इनपुट देते हैं, जब आप टाइमिंग वगैरह सेट करते हैं वो आउटपुट भी देता है, माइक्रोवेव ओवन को आउटपुट देता है। हत्ता कि अगर आप माइक्रोवेव ओवन का डोर खुला हो तो आप उसे स्टार्ट करें तो स्टार्ट नहीं होने देता माइक्रोवेव ओवन को। तो माइक्रोवेव ओवन को के अंदर जो लगा हुआ इक्विपमेंट है जो उसे ऑन करवाता है, उसे कोई ना कोई चीज इनपुट देती है, वही कंट्रोलर। अच्छा, एम्बेडेड कंप्यूटर्स की सूरत में जरूरी नहीं उनके पास स्क्रीन लगी हो, जरूरी नहीं आप डायरेक्ट यून इनपुट देते ही हो। एम्बेडेड कंप्यूटर्स का जो ये इसीलिए शायद हमें ज्यादा नजर नहीं आते क्योंकि इनका यूजर के साथ इंटरेक्शन बहुत कम होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर्स का ये अपना काम किसी डिवाइस के अंदर लगे हुए चुपचाप करते रहते हैं और इन्हें बनाते वक्त ही एक चिप के प्रोग्राम कर दिया जाता है, यानी बार बार प्रोग्रामिंग करने की इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपनी वाले बनाते वक्त ही इन पे चिप के ऊपर सारी फंक्शनैलिटी अंदर डाल देते हैं, प्रोग्राम कर देते हैं और उसी खास मकसद के ऊपर ये सारी जिंदगी काम करते रहते हैं। To change up.